नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8i वर्सेस Xiaomi Poco M2 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8i में 6.46 इंच जबकि Poco M2 में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Realme 8i से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme 8i में 2.97 इंच जबकि Poco M2 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8i में 0.33 इंच जबकि Poco M2 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Realme 8i से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8i में 194 ग्राम जबकि Poco M2 में 198 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Realme 8i में 20:1:9 जबकि Poco M2 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8i में 6.6 इंचेस जबकि Poco M2 में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 8i में 1080x2412 और Poco M2 में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8i में 84.88% जबकि Poco M2 में 83.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8i में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco M2 में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8i में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है और Poco M2 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8i में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Poco M2 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 8i में Mali G57 MC2 जबकि Poco M2 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8i में MediaTek Helio G96 और Poco M2 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 8i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Poco M2 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Realme 8i में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Poco M2 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 8i में अप टू 256GB जबकि Poco M2 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 8i में Android V11 जबकि Poco M2 में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8i में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Poco M2 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में तीन फायदे और शून्य नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme 8i आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 है, जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 8 है, जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 है, जो कि 14,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8s 5G है, जो कि 17,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।